अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी में इटली से एक रिसर्च वर्कर, एक खातून आई और उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ का बताया कि इटली के अंदर जो भी रिसर्च आजकल हो रही है वो नेचुरल चीज़ों पे हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने टर्मेरिक की दी, हल्दी की, जिसे मैं कई दफ़ा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया अब नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रही है। जैसे जापान ने लहसुन की पेस्ट से टूथपेस्ट बना ली, इसराइल ने डेड सी के वाटर से वहाँ के पानी लेकर उसे टूथपेस्ट के अंदर शामिल किया। पूरी दुनिया जब कुदरती चीज़ों की तरफ जा रही है तो हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पर रिसर्च करें और इन्हें आम इस्तेमाल की तरफ लाएँ ताकि हमें इसका फ़ायदा हो। क्योंकि आमतौर पे हमारी जो भी टूथपेस्ट होती हैं वो केमिकल से भरी होती हैं। सोडियम लॉरल सल्फेट एक बहुत बड़ा अहम जुज है टूथपेस्ट का, जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे मुंह में छाले निकल आते हैं, टॉक्सिक चीज़ है। इसी तरह फ्लोराइड निगलने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और भी कई अज्जा ऐसे हैं जो केमिकल्स हैं हमारे मुँह के लिए और जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए हमेशा कुदरती चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में जिक्र करेंगे मसूड़ों का अपनी जगह से नीचे जाना, उनकी सोजिश, उनकी स्वेलिंग, मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना, ये सारे जो मसाइल हैं, दांतों पे प्लाक का जमना, टार्टर का जमना। कौन सी ऐसी कुदरती चीज़ है जिससे हम इन सब मसाइल का बआसानी हल निकाल सकते हैं, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी मुश्किल के, बगैर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए? एक सस्ता और आसान तरीका आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे मसूड़े ख़राब होते हैं उससे हमारी अपनी गलती भी है, हम प्रॉपर मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि मुंह की सफाई हमारे जिस्म की सफाई को शो करती है। जितना हमारा मुंह साफ होगा उतना ही हमारा जिस्म अंदर से साफ होगा, बीमारियों से बचा रहेगा। जितने हमारे मसूड़े ख़राब हैं उनसे खून आ रहा है, उन पे दांतों पे प्लाक जमा है, उतना ही हमारे मुंह के अंदर और जिस्म के अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन में इजाफा होगा, शुगर लेवल रेज हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती है, यानी कि बहुत सारे मसाइल मुंह की बीमारियों से पैदा हो सकते हैं। तो करना आपने क्या है उसके लिए, ये आज की वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले हमने ये देखना है कौन से ऐसे कुदरती दो अज्जा हैं, सिर्फ दो अज्जा ऐसे हैं जिनका बड़ा ही आसान तरीक़ा है और उसे आपने सिर्फ मिक्स करना है और मसूड़ों पे लगाना है, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो सबसे पहला टर्मेरिक, हल्दी का इस्तेमाल, बहुत ही अहम चीज़ है हल्दी। हल्दी के दो फायदे हैं, एक तो मसूड़ों की सोजिश को ख़त्म करती है, दूसरी मुंह के अंदर जो बुरे जरासीम हैं उन्हें मारती है, उनका लोड कम करती है, जख्म जल्दी हील हो जाते हैं, मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। तो हल्दी के अंदर भी एक ख़ास चीज़ है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन ऐसी चीज़ है जो आपके मसूड़े की सुर्खी को ख़त्म करती है, मसूड़े में जलन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो आपको उलझन होती है जैसे इस चीज़ की, जिस तरह ख़ारिज करने की आपको ज़रूरत होती है, बर्निंग सी, जलन सी हो रही है, उसे ख़त्म करेगी, मसूड़े अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं, वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें सिर्फ एक हल्दी के इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में कुछ नया इससे बताऊंगा कि इसके साथ हमने किस चीज़ को ऐड करते हैं जिससे इसका असर पहले से भी दोगुना हो जाएगा, डबल इफ़ेक्ट होगा। तो उसके लिए हम एलोवेरा को यूज़ करेंगे। एलोवेरा, जिस तरह पहले मैंने अपनी दो वीडियोस के अंदर बताया है कि डायरेक्ट जो आप प्लांट से लेते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, एलोवेरा जेल जो होता है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि जैसे ही आप मसूड़े पर लगाते हैं फ़ौरन सुकून मिल जाता है। जिस तरह किसी जगह पे आग लगी है उस जगह पे आपने पानी डाला है, आग बुझ जाती है, इस तरह मसूड़े के अंदर जो आग या जलन है उसे इसे लगाने से फौरन ही रिलीफ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, सूथिंग इफेक्ट आ जाता है और मसूड़ों के जख्म तेज़ी से सही होने लग जाते हैं, जलन ख़त्म होती है, सोजिश ख़त्म होती है, स्वेलिंग उतर जाती है, खून आना बंद हो जाता है। तो कितना आसान तरीका है एलोवेरा जेल, और ये बड़ा ही पावरफुल एक इलाज है जो इटली तक यूज़ हो रहा है। हमें भी चाहिए कि इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हमारे मुंह की सेहत भी अच्छी होगी, हमें ख़र्चा भी इन चीज़ों पे कम आएगा। अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, असल बात यह है, अब पता तो लग गया दो चीज़ें हैं, एक हल्दी, दूसरा एलोवेरा जेल।
अब इन्हें इस्तेमाल किस तरह करना है, हल्दी का पाउडर उसे थोड़ा सा आपने लेना है और एलोवेरा जेल के साथ उसे मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बन जाएगी जैसे आपकी टूथपेस्ट है। फिर जिस चीज से आपके आपके मसूड़े खराब हैं, फर्क के इस दांत सामने वाले दो दांतों के मसूड़े पीछे हट गए हैं, सुरख हैं, तो इस जगह पे आपने अच्छी तरह से मल देना है, अप्लाई कर देना है इस तरह। फिर उसे कम से कम 3 से 5 मिनट लगे रहने देना है ताकि उसका असर उस जगह पे हो। 3 से 5 मिनट के बाद आपने अच्छी तरह नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुरली करनी है ताकि वो सारा वॉश आउट हो जाए जो लगा हुआ उतर जाए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके दांत भी चमक रहे होंगे, मसूड़े भी सेहतमंद होंगे। तो इस चीज़ का आपने कम से कम 15 दिन से 20 दिन तक इस्तेमाल करके फिर आपने देखना है, शीशे में देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कितना फर्क पड़ा है, रिजल्ट आपके सामने होगा। इसलिए इस तरीकाकार को जल्द से जल्द अपनाएं, एलोवेरा जेल प्लस टर्मेरिक हल्दी का पाउडर। कुछ केसेस हैं जिसमें हल्दी को हम कहते हैं कि ना यूज करें, क्योंकि हल्दी से दांतों में निशान पड़ सकते हैं, खासतौर पे आपके जो मसनू दांत लगे हुए हैं, जैसे आपके दांत पे किसी खोल चढ़ा हुआ है या वेनियर लगा हुआ है जो आर्टिफिशियल है, नकली है, या कोई दांत के कलर की फिलिंग हुई है, जो मसनू चीजें हैं, तो उनके साथ इसका निशान पड़ने का चांस हो सकता है। तो ऐसे केस में आप खाली एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीके, इसके अलावा अगर आपको ये तरीके नहीं पसंद आ रहा है या आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो, तो उसमें एक ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि टर्मेरिक का पाउडर आपने लेना है 1 चम्मच और कोकोनट ऑयल 1 चम्मच लेना है, दोनों को मिक्स करके एक टूथपेस्ट बना लेनी है और उससे आपने सुबह शाम ब्रश करना है। तो इससे भी आपके मसूड़े सेहतमंद हो जाएंगे, अपनी जगह पे थोड़ा बहुत वापस आ सकते हैं, फुली रिकवर होना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर देखें मसूड़ा इस जगह पे है और वो इधर से इतनी पीछे हट गया तो इतनी वापस आना मुश्किल होगा। थोड़ा बहुत पीछे हटा है वो गम मसाज से और हल्दी और एलोवेरा जेल से थोड़ा बहुत वापस आ सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर पीछे हटा है फिर वो सर्जरी करनी पड़ती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे मसूड़ा अपनी जगह पे नया बनाना पड़ता है, वो वापस सर्जरी के जरिए आ जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो तो आप हल्दी को एलोवेरा जेल को मिक्स करके इसका मसाज करें इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह करें, इससे मसूड़ा थोड़ा बहुत ग्रो कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत करेगा, 0.5 मिलीमीटर कह सकते हैं या 1 मिलीमीटर, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो खींच के आप नीचे नहीं ला सकते, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर उसका ऑपरेट कराना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें हम आमतौर पर तालू के अंदर वाली साइड से मांस को कट करके उसे इस जगह पर लगा देते हैं ताकि वो नया मांस जो डिफेक्ट है वो नया बन जाता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।